हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन। में फ्रेंड्स, आपने भिंडी की सूखी सब्जी, भरवा सब्जी तो बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन आज जो भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, शायद ही आज से पहले आपने इसे बनाया होगा या खाया होगा। ये ना तो भिंडी की सब्जी है और ना ही चटनी है, एकदम यूनिक रेसिपी है। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप दो की जगह सीधे चार रोटी खाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो भिंडी ली है और भिंडी को हमने यहाँ पर पहले अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद इनको बहुत अच्छी तरीके से सुखा लिया था। इनको सुखाने के लिए आप भिंडी को धोकर किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिएगा, भिंडी बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएगी। और भिंडी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम भिंडी को काटेंगे। तो इसको काटने के लिए देखिएगा, हम इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से काटेंगे और बीच से चीरा लगाकर पहले भिंडी को अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार भिंडी में जो है कीड़े निकलते हैं, तो इसलिए भिंडी को जब भी काटें तो उन्हें पहले अच्छे से चेक कर लें। और अब भिंडी में देखिएगा, फिर से हम बीच से एक और चीरा लगाएंगे। तो यहाँ पर भिंडी के चार हिस्से हो गए हैं और अब उन चार हिस्सों को भी हम देखिएगा इस तरीके से बीच से काट लेंगे। भिंडी ज़्यादा बड़ी हो तो आप उसको तीन हिस्से में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भिंडी को लगभग एक एक इंच के टुकड़ों में काटा है। तो सारी भिंडी को हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारी भिंडी को काट कर तैयार कर लिया है और ये देखिएगा सारी भिंडी को हमने एक जैसा काट कर तैयार करा है। और अब सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें एक चम्मच तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें 15 से 20 कलियां लहसुन की डालेंगे। इस रेसिपी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि इससे जो रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और साथ में हमने यहाँ पर ये 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। ये मोटे साइज की हरी मिर्च हैं, ये तीखी कम होती हैं। अगर आपके पास तीखी वाली हरी मिर्च हो तो आप उसको थोड़ा सा कम ले सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं। और अब लहसुन और हरी मिर्च को हमें देखिएगा मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए भूनना है। इनको भूनने से हमारी जो रेसिपी है उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, एक बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। तो इन्हें हमें जब तक भूनना है जब तक कि लहसुन जो है वो हल्का हल्का सा गोल्डन कलर का ना होने लगे और मिर्च के ऊपर भी हल्के हल्के से गोल्डन कलर के स्पॉट्स ना आने लगे। तो इन्हें हमें देखिएगा इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनना है। इस तरीके से इनको चलाते हुए फ्राई करने से ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई होंगे, एक ही तरफ से जलेंगे नहीं। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं। लहसुन पर भी हल्का हल्का गोल्डन कलर की लेयर आ गई है और हरी मिर्च भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई है। तो चलिए अब इनको कढ़ाई से निकालेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच मूंगफली दाना डालेंगे और इसको भी हमें अच्छी तरीके से भूनना है। तो इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। मूंगफली को हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसमें से हल्की हल्की चट चट की आवाज़ ना आने लगे, इससे जो है मूंगफली अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से सिक जाती है। तो चलिए इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे। और अब देखिएगा मूंगफली भी हमारी जो है बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है, इससे चट चट की आवाज़ निकलने लग गई है। तो चलिए इसको भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने तीनों चीज़ों को भून कर तैयार कर लिया है। ये देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से तीनों चीज़ें भुन गई हैं। तो चलिए पहले इनको हम ठंडा कर लेंगे और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ठंडी हो गई हैं। तो अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। फ्रेंड्स, आप इनको जो अदरक कूटने वाला खलबट्टा होता है ना, उसमें भी कूट कर तैयार कर सकते हैं। और अब इसमें एक मुट्ठी भर का फ्रेश कटा हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो चलिए अब जार का ढक्कन लगाएंगे और इनको हमें यहाँ पर पल्स मोड पर पीसना है। सिर्फ 2 से 3 बार हम इसको पल्स मोड पर पीसेंगे। हमें इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, एकदम दरदरा ही रखना है। ये देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको बिल्कुल दरदरा पीस कर तैयार करना है। इस तरीके से मोटा मोटा मसालों को कूट कर जब हम रेसिपी में डालेंगे ना, तो सच मानिएगा फ्रेंड्स, इसका टेस्ट जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। तो चलिए उसी कढ़ाई में हमने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच इसमें हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको ज़रूर डालिएगा और इससे जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जीरे को हल्का सा तड़का लेंगे, जीरा भी तड़क गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें एक बड़े साइज की प्याज को बारीक बारीक काट कर डालेंगे। और अब प्याज को भी देखिएगा हमें अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। प्याज को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जब तक कि हम प्याज को यहाँ पर भूनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे।
और अब देखिएगा प्याज भी जो है हमारी वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, यानी कि हमें इसमें कलर वगैरह कुछ नहीं लाना है, सिर्फ ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए जब तक कि हमें इसको भूनना है। तो प्याज हमारी जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, तो इस टाइम पर हम इसमें कटी हुई भिंडी भी डालेंगे। और अब भिंडी को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इस तरीके से जब हम भिंडी को पहले 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, तो इससे जो भिंडी में जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो भी निकल जाती है। भिंडी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इस तरीके से भून कर जब हम भिंडी को बनाते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहता है। और अब भिंडी को भूनते हुए भी लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं, और भिंडी का कलर भी देखिएगा हल्का हल्का सा चेंज होने लग गया है। भिंडी अच्छी तरीके से भुन गई है, तो इस टाइम पर हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और अब सभी मसालों को अच्छे से भिंडी के साथ मिक्स करते हुए हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। इतनी देर में क्या होगा कि भिंडी भी हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि भिंडी जो है यहाँ पर हमने पहले ही सॉफ्ट वाली ली हुई थी, तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे भिंडी भुन रही है, इसके अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ये थोड़ा सा चिपचिपी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे भिंडी भुनती जाएगी, इसका जो चिपचिपापन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने जब भिंडी को धोया था तो बहुत ही अच्छी तरीके से सुखा लिया था। अगर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत चिपचिपापन रह जाता है, तो आप इसमें या तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। फ्रेंड, जब आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। पूरी और पराठे के साथ तो स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस टाइम पर देखिएगा, हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो हरी मिर्च ली थी वो तीखी कम थी, इसलिए हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्च हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा, भिंडी भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई है। भिंडी जो है 80 से 85% तक लगभग कुक हो गई है। तो इस टाइम पर हमने जो ये मसाले पीसकर तैयार करे थे, मूंगफली, हरी मिर्च और लहसुन वाला, तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। तो पूरे मसाले को हम सब्जी में डाल देंगे और इन्हें भी भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इतने में जो हमारी भिंडी में थोड़ी बहुत कसर रह रही है पकने में, वो भी पक जाएगी और ये मसाले भी जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। तो गैस की फ्लेम हमने इस टाइम पर बिल्कुल लो कर रखी है। तो इसी तरीके से देखिएगा, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए और भूनेंगे। और अब देखिएगा, सभी चीज़ों को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। भिंडी भी हमारी पूरी तरीके से पक चुकी है। तो अब देखिएगा हमें क्या करना है। यहाँ पर हमने एक ही पोटैटो मैशर ले लिया है, तो देखिएगा इससे अब हम इस तरीके से भिंडी को मैश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्के हाथों से ही हम यहाँ पर भिंडी को मैश करेंगे, जिससे कि मसाले और भिंडी जो है वो अच्छे से आपस में मिल जाएं। तो देखिएगा, इसी तरीके से हम इनको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। बस 3 से 4 बार हम इनको इसी तरीके से मैश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर भिंडी का थेचा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिएगा भिंडी भी हमारी बिल्कुल नहीं चिपक रही है, एकदम खिला खिला हमारा भिंडी का थेचा बनकर तैयार हुआ है। तो ऊपर से डालेंगे इसमें फ्रेश कटा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर थेचे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। ढककर इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो धनिया का फ्लेवर है वो भिंडी के अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई भिंडी की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।